इस कहानी की शुरुआत में कैराकोरम माउंटेन्स जो कि हिंदुस्तान में स्थित है वहां पर एक पर्वतारोही को दिखाया जाता है। ये वक्त होता है सन 1928 का। जब वो पर्वतारोही अपने टेंट के अंदर होता है तो उसे टेंट के बाहर रोशनी दिखती है और जब वो अपने टेंट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहां पर एक चमकदार गोलाकार है। वो उसके पास जाता है और जैसे ही उसे छूता है वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक अजीब सा मार्क है, साथ ही वो चमकदार गोला भी उस जगह से गायब हो गया होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतता और वक्त आता है सन 2008 का, जहां पर हेलन नाम की एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। उसके घर में खुफिया विभाग के सरकारी लोग आते हैं जो जबरदस्ती हेलन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर हेलन उनके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपने बेटे के साथ रहती है जिससे वो बहुत प्यार करती है। हालांकि हेलन का बेटा उससे प्यार नहीं करता क्योंकि वो उसका सौतेला बेटा होता है, पर हेलन मजबूर होती है। इसीलिए अपने बेटे को अपने पड़ोसियों के पास छोड़कर वो उन लोगों के साथ निकल जाती है। हेलन को नासा के एक विभाग में ले जाया जाता है जहां पर उसके जैसे और भी बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं। यहां पर उसे नासा में काम करने वाला उसी का एक दोस्त जिसका नाम माइकल होता है वो मिलता है। माइकल उसे बताता है कि उसी ने उसका नाम रेकमेंड किया था। इसके बाद सभी वैज्ञानिकों को एक हॉल में ले जाया जाता है। इन सब को बताया जाता है कि जुपिटर की ऑर्बिट पर एक ऑब्जेक्ट देखा गया है जो 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ये धरती से टकराया तो धरती से जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को मिसाइल से नहीं रोका जा सकता क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये सुनकर सभी वैज्ञानिक पूरी तरह से डर जाते हैं। यहाँ से हेलन अपने बेटे को कॉल करती है और उसे कहती है कि आज रात को तुम्हें बेसमेंट में सोना होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हेलन और सभी वैज्ञानिक नासा के प्लेन में बैठकर उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट धरती की कक्षा में एंटर करता है तो उसकी स्पीड अपने आप ही कम होना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद वो ऑब्जेक्ट मैनहट्टन शहर में लैंड कर जाता है। यानी कि ये कोई उल्कापिंड या कोई दूसरी चीज नहीं थी बल्कि ये एक एलियन शिप है। धीरे धीरे सभी वैज्ञानिक उस शिप की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और तभी उससे एक तेज रोशनी निकलती है और कुछ ही पलों के बाद उसके अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है। हेलन उसकी तरफ आगे बढ़ती है। वो एलियन हेलन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। हेलन भी अपना हाथ बढ़ाती है, पर इससे पहले कि ये दोनों हाथ मिलाते यूएस आर्मी के सोल्जर उस पर एक गोली चलाते हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है। हेलन जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि एम्बुलेंस को बुलाओ, हमें मदद की जरूरत है। पर इससे पहले कि एम्बुलेंस आती उसी एलियन शिप से एक बहुत विशाल रोबोट बाहर निकलता है। उसके चेहरे से रोशनी निकलती है जिस वजह से सभी कम्युनिकेशन सिस्टम और सभी लाइट्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। इसके बाद वो रोबोट एक बहुत तेज आवाज निकालता है जो इंसानी कान नहीं सुन सकते, इसीलिए सबके सब जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। और तभी वो देखता है कि उसके कदमों के नीचे हेलन है। वो हेलन को मारने वाला होता है कि एलियन उसे मना कर देता है क्योंकि एलियन को पता है कि हेलन उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद एलियन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है जहां पर उसके शरीर से गोली निकालने के लिए उसके शरीर पर चीरा लगाया जाता है। डॉक्टर गोली निकाल देता है पर अब उसकी स्किन अपने आप ही झड़ना शुरू हो जाती है, और कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स और वैज्ञानिक देखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी स्किन निकल चुकी है और वो एलियन हूबहू इंसानों की तरह है। उसका डीएनए चेक किया जाता है, उसके डीएनए में इंसानों का भी डीएनए होता है। इंसान समझ जाते हैं कि एलियन पहले भी धरती पर आए होंगे और इंसान का डीएनए अपने साथ ले गए होंगे। इस कहानी की शुरुआत में जिस पर्वतारोही के हाथ में निशान होता है दरअसल एलियन उसके हाथ से उसका डीएनए निकाल कर ले गए होते हैं, और ये जो एलियन होता है ये हूबहू उसी का हमशक्ल होता है। हेलन के मुताबिक इस एलियन के चारों तरफ जो कवच था वो बनाया गया था। जिस तरह से माँ की कोख से बच्चा पैदा होता है उसी तरह से इस एलियन ने भी धरती के वातावरण में जन्म लिया है ताकि वो धरती के वातावरण में सांस ले सके। अब वो एलियन जो पूरी तरह से इंसानी रूप में है वो होश में आ जाता है। हेलन उससे बात करती है और वो हेलन की
बातों का जवाब देता है, यानी कि उसे इंसानों की भाषा भी आती है। वो हिलन को बताता है कि वो धरती को बचाने के लिए आया है। तभी यहाँ पर यूएस की डिफेंस मिनिस्टर आ जाती है और वो कहती है कि ये एलियन हमारी धरती के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इनके धरती पर आने के बाद हमारी सारी सैटेलाइट्स पूरी तरह से बंद हो गई, हम किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एलियन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर धरती के लीडर्स से बात करना चाहता हूँ, पर डिफेंस मिनिस्टर उसकी बात नहीं सुनती और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाती है। अब उस एलियन का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। उससे एक आदमी सवाल पूछता है कि धरती पर हमला होने वाला है, पर एलियन उसकी बात का जवाब नहीं देता, वो उसे अपने वश में कर लेता है। साथ ही वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस जगह से निकल जाता है। बहुत जल्दी पूरी दुनिया में छोटे छोटे एलियन शिप उतरना शुरू हो जाते हैं। एलियन यहाँ से एयरपोर्ट जाता है जहाँ पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो जानता है कि हेलेन उसकी मदद करेगी, इसीलिए वो हेलेन को कॉल करता है। हेलेन अपने बेटे के साथ उस एलियन तक पहुंच जाती है। हेलेन उसे एक दवा देती है जो वो अपने जख्म पर लगाता है। इसके बाद वो एक मैकडॉनल्ड्स में जाता है जहां पर वू नाम का एक आदमी उससे मिलने जाता है, पर हमें पता चलता है कि ये भी एक एलियन है जो पिछले 70 सालों से धरती पर रह रहा है। ये इंसानों को स्टडी कर रहा होता है। वो बताता है कि इंसान पर्यावरण को, धरती को खत्म कर रहे हैं, ये बात वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो धीरे धीरे इस पूरी धरती को खत्म कर देंगे। ये सब सुनने के बाद एलियन वहां से एक नदी किनारे जाता है जहां पर पानी के अंदर से उसी के स्पेसशिप जैसा एक गोला निकलता है। वो उस गोले पर हाथ लगाता है। दुनिया में जितने भी गोले होते हैं उन सब के अंदर इस दुनिया की अलग अलग स्पीसीज जाना शुरू कर देती है, जैसे समुद्री जीव, बिच्छू, सांप, उड़ने वाले पक्षी, और कुछ ही देर बाद सभी गोले धरती से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एलियंस ने सबको यहाँ से बाहर भेज दिया है। हेलेन ये सब कुछ देख लेती है। उसे अब एलियंस के इरादों पर शक है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है। एलियन कहता है कि मैं इस धरती को बचाना चाहता हूँ इंसानों से, यानी कि वो धरती पर इंसानों को खत्म करने के लिए आया है। हेलेन कहती है कि तुम्हें इंसानों को एक मौका देना चाहिए। वो कहता है कि हमने इंतजार किया पर इंसान नहीं सुधरे, और अगर हमने इंसानों को खत्म नहीं किया तो वो इस खूबसूरत प्लेनेट को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो उस एलियन को पहचान लेता है। वो उसे उसके दोनों हाथ गाड़ी के ऊपर रखने के लिए कहता है, पर जैसे एलियन अपने हाथ गाड़ी के ऊपर रखता है वो गाड़ी पुलिस वाले की तरफ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एलियन अपनी शक्तियों से उसे दोबारा जिंदा कर देता है और हेलेन को कहता है कि मेरे रास्ते में आ रहा था इसीलिए मैंने इसे नुकसान पहुंचाया, पर अब मैंने इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया है। हेलेन उसे कहती है कि तुम्हें मानव जाति को एक मौका और देना चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता था पर मुझे ही मौका नहीं दिया गया। इसके बाद हेलेन उसे एक प्रोफेसर के घर ले जाती है जहां बोर्ड पर मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम लिखी होती है जिसे आज तक इंसान सॉल्व नहीं कर पाए, पर एलियन चंद ही सेकंड्स में उसे सॉल्व कर देता है। ये देखकर प्रोफेसर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा संभव है? एलियन कहता है कि बिल्कुल संभव है। इसके बाद वो बताता है कि हमारे ग्रह का सूरज खत्म हो रहा था, हम सब इकट्ठे हुए और हम सब ने अपनी जीवन शैली पूरी तरह से बदल दी, जिसकी वजह से हमारे ग्रह का सूरज हमारा ग्रह बच गया। प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें रियलाइज हुआ था कि तुम्हारा ग्रह खत्म होने वाला है, इसीलिए तुम सब इकट्ठे हुए और तुमने अपने ग्रह को बचाया, पर धरती पर इंसानों को अभी ये रियलाइज नहीं हुआ है। एक बार अगर उन्हें यह एहसास हो जाए तो वो भी अपनी जाति को बचाने के लिए, अपने ग्रह को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रोफेसर की बात से एलियन का दिमाग बदलना शुरू हो जाता है, पर तभी हेलेन का बेटा जो एलियन को पसंद नहीं करता, साथ ही उसे ये भी पसंद नहीं होता कि उसकी मॉम एक एलियन का साथ दे रही है जो इंसानों को खत्म करना चाहता है, वो पुलिस को कॉल करके बता देता है कि जिस जगह पर इस वक्त वो है वहां पर वो एलियन भी है जिसे FBI ढूंढ रही है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। हेलेन, उसका बेटा और एलियन, ये तीनों के तीनों जंगल में भाग जाते हैं, पर तभी एक आर्मी सोल्जर हेलेन को पकड़कर ऊपर हेलीकॉप्टर में ले जाता है। एलियन अपनी शक्तियों से दो हेलीकॉप्टर्स को क्रैश करवा देता है, पर हेलेन अब आर्मी की गिरफ्त में है। हेलेन का बेटा नदी में गिरने वाला होता है पर एलियन उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ उस बड़े रोबोट को दिखाया जाता है जिस पर आर्मी अपने फाइटर प्लेन से अटैक करवाती है, पर वो उनके प्लेन्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उनके प्लेन्स को उन्हीं के टैंक्स के ऊपर क्रैश करवा देता है। इसके बाद नासा के वैज्ञानिक उसे चारों तरफ से बहुत मजबूत एक स्पेयर में कैद कर लेते हैं और उसे ब्लास्ट करने की प्लानिंग करते हैं। वो उसे ब्लास्ट भी कर देते हैं लेकिन रोबोट का
बाल भी बाका नहीं होता। इसके बाद पूरा का पूरा रोबोट छोटे छोटे इंसेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो सभी इंसेक्ट्स वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये इंसेक्ट्स इतने खतरनाक होते हैं कि इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है ये उसे पूरी तरह से धूल में मिला देते हैं। और शायद एलियंस इसी तरह से इंसानों का धरती से खात्मा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलियन और हेलेन के बेटे को दिखाया जाता है जो एक केबिन के अंदर जाते हैं। वहां पर एक फोन खराब होता है लेकिन एलियन अपनी शक्तियों से उस फोन को ठीक कर देता है। हेलेन का बेटा हेलेन को कॉल करता है और उसे उस जगह बुलाता है जहां पर उसके पिता की ग्रेव है। यहां पर एलियन और हेलेन के बेटे दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये दोनों ग्रेव तक पहुंच जाते हैं। हेलेन के बेटे ने देखा होता है कि किस तरह से एलियन ने एक आदमी को जिंदा किया था। वो कहता है कि तुम मेरे पिता को भी जिंदा कर दो, लेकिन एलियन किसी मरे हुए इंसान को जिसकी बॉडी अब पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुकी है उसे जिंदा नहीं कर सकता। वो हेलेन के बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जिंदा नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी इस दुनिया से कभी कोई चीज खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। हेलेन का बेटा कहता है कि मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, मैं इस दुनिया में अकेला रह गया, और वो फूट फूट कर रोने लगता है। पर तभी यहां पर हेलेन आ जाती है। वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे पिता को बहुत याद करती हूँ, पर हम सच बदल नहीं सकते, मुझे तुम्हारे अंदर उनकी परछाई दिखती है। जेकब जो कि हेलेन का बेटा है वो भी अपनी मॉम के गले लग जाता है और उनसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। ये सब देखकर एलियन हैरान होता है। वो हेलेन से कहता है कि मैं इंसानों के इस पहलू को नहीं जानता था। हेलेन कहती है कि इंसानों को एक मौके की और जरूरत है। और तभी ये आसमान में उन इंसेक्ट्स को देखते हैं जो रोबोट से कन्वर्ट हुए थे। हेलेन कहती है कि इंसानों का अंत इसी तरह से होगा। वो कहता है कि हाँ। हेलेन पूछती है कि इन्हें रोका नहीं जा सकता। वो कहता है कि इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें सेंट्रल पार्क जाना होगा जहां पर एलियन का स्पेसशिप उतरा था, और ये सब के सब सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं जहां पर ये देखते हैं कि इंसेक्ट्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। हेलेन, उसका बेटा और एलियन भागते हुए एक सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। पर हेलेन देखती है कि उसके बेटे की नाक से खून निकल रहा है और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो बेहोश हो जाता है। एलियन कहता है कि इंसेक्ट्स इसकी बॉडी के अंदर चले गए, ये मर रहा है। और तभी हेलेन की नाक से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। हेलेन एलियन से कहती है कि मेरे बेटे को बचा लो। एलियन हेलेन की और उसके बेटे की कलाई पकड़ता है और उनकी बॉडी के अंदर जो इंसेक्ट्स गए होते हैं उन्हें वो बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो बाहर निकल जाता है और आखिरी बार वो हेलेन और उसके बेटे को देखता है। एलियन अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और जब वो अपने स्पेसशिप को टच करता है तो उससे एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक वेव निकलती है जिससे सभी इंसेक्ट्स पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि इंसानों का खात्मा नहीं होगा, पर उस मैग्नेटिक वेव से धरती की सभी चीजें पूरी तरह से बंद हो जाती है, यहां तक कि घड़ियां भी। यानी कि इंसानों ने जितनी भी टेक्नोलॉजीज बनाई थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि हेलेन और उसका बेटा एलियन के स्पेसशिप के पास जाते हैं, यानी कि वो एलियन अभी भी जिंदा है और कुछ ही पलों के बाद उसका स्पेसशिप यहां से उड़कर अपनी दुनिया में चला जाता है। ये कहानी एक तरह से इंसानों की रियलिटी को बयान करती है, क्योंकि इंसान तरक्की के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर इस धरती को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत जल्दी हम इस खूबसूरत प्लेनेट को खो देंगे। ये मूवी ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 5.5। इस मूवी का बजट था $80 million और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $233 million की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।